नमस्कार दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर ने एग्ज़ाम टाइम टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें प्रोग्राम ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2021-22 रेगुलर स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइम टेबल है। टाइम रहेगा 3 PM to 6 PM ऑन ईच डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अब इसमें आपके जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू होंगे 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल को पेपर है, फिर उसके बाद 6 अप्रैल को है, फिर 8 अप्रैल को है, फिर 11 अप्रैल को है, फिर 13 अप्रैल को है, 18 अप्रैल को है, 20 अप्रैल को है, फिर ऑप्शनल ग्रुप के हैं 22 अप्रैल को है, 25 अप्रैल को है, फिर 22 अप्रैल को है, फिर 25 अप्रैल को है। तो देख सकते हैं जिनका भी कंप्यूटर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स का जो भी है, और 25 और 22 इसमें टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, इसका भी जो 25 और 22 इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं 22 और 25 को, फिर 22 और 25 को, ये ऑप्शनल के हैं तो आप चेक कर सकते हैं। फिर 22 और 25 को है एडवर्टाइजिंग सेल प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, सेल मैनेजमेंट। फिर है 24 को है, फिर 25 को है, 22 को है, फिर 25 को है ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्टेनोग्राफी। तो देख सकते हैं ऑप्शनल में अलग अलग जिनका भी ऑप्शनल में जो भी सब्जेक्ट है 22 और 25 को एग्ज़ाम है, तो आप चेक कर सकते हैं 22 अप्रैल और 25 अप्रैल को। तो जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीकॉम थर्ड ईयर एग्ज़ाम 2021-22 रेगुलर स्टूडेंटों के लिए। टाइमिंग रहेगा 3 PM to 6 PM ऑन ईच डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन। इसमें आपके जो एग्ज़ाम शुरू होंगे वो होंगे 5 अप्रैल से। तो 5 अप्रैल को पेपर है, फिर 7 अप्रैल को है, फिर 9 अप्रैल को है, फिर 12 अप्रैल को है, 16 अप्रैल को है, 19 अप्रैल को है, 21 अप्रैल को है, फिर 23 अप्रैल को है, फिर 26 अप्रैल को है ऑप्शनल ग्रुप ए, और फिर 23 अप्रैल और 26 अप्रैल को ग्रुप बी का है, फिर 23 अप्रैल और 26 अप्रैल को ग्रुप सी का है, और 23 अप्रैल और 26 अप्रैल को ग्रुप डी का है, और 23 और 26 अप्रैल को जो भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, फिर 23 और 26 को ही टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का है, टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का 23 और 26, यानी 2 दिन जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके पेपर होंगे 23 और 26 को, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये हैं आपके बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर के जितने भी कॉलेजेस हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उनके लिए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर एग्ज़ामिनेशन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, ये टाइम टेबल है केवल COVID-19 प्रभावित विद्यार्थियों हेतु। रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ दी बीएड साइंस थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 सेकेंड चांस के लिए होगा। उसमें टाइमिंग है 7 AM to 10 AM ऑन ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन। 5 अप्रैल को आपका पेपर है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 का, फिर चेक कर सकते हैं ये रिवाइज हुआ, बाकी आपके टाइम टेबल पहले जैसे ही रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, ये भी रिवाइज्ड टाइम टेबल है। रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ LLB फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 सेकेंड चांस। टाइमिंग रहेगा 7 AM to 10 AM ऑन ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन। 29 मार्च को है पेपर आपका, फिर उसके बाद 1 अप्रैल को, फिर 6 अप्रैल को, फिर 9 अप्रैल को, फिर 13 अप्रैल को, फिर 19 अप्रैल को, तो ये चेक कर सकते हैं। और इसमें रिवाइज्ड है प्रोग्राम ऑफ LLB थर्ड सेमेस्टर
एग्ज़ामिनेशन 2021-22 सेकंड चांस द्वितीय अवसर के लिए। टाइमिंग रहेगा 7 AM to 10 AM ऑन ईच डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन। 30 मार्च को पेपर है, फिर 4 अप्रैल को, फिर 7 अप्रैल को, फिर 11 अप्रैल को, फिर 16 अप्रैल को, फिर 20 अप्रैल को है। फिर है रिवाइज प्रोग्राम ऑफ LLB फिफ्थ सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2021-22 के लिए। सेम टाइमिंग है 7 AM to 10 AM इन ईच डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेकंड चांस दूसरी अवसर के लिए हो के लिए। 31 मार्च को पेपर है, फिर 5 अप्रैल को, फिर 8 अप्रैल को है, 12 अप्रैल को है, 18 अप्रैल को है, फिर 21 अप्रैल को है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, पुराने से एक बार मिला सकते हैं। और ये रिवाइज्ड टाइम टेबल है LLB के कोर्सों का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, ये रिवाइज्ड टाइम टेबल है रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ MBA थर्ड सेमेस्टर न्यू एग्ज़ामिनेशन 2021-22 केवल COVID-19 प्रभावित विद्यार्थियों हेतु सेकंड चांस। टाइमिंग रहेगा 7 AM to 10 AM ऑन ईच डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन। 31 मार्च को पेपर है, उसके बाद 1 अप्रैल को है, फिर 4 अप्रैल को, फिर 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, फिर 19 अप्रैल को। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका कोर्स है, और COVID-19 प्रभावित के अगर हैं तो उसके अनुसार से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका सिलेबस या कोर्स है। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।